a rat. What? You are a lawyer. I'm a rat. You're a lawyer. I'm a rat. गिरावट की कोई हद नहीं है, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। धनकर साहब इज ए ऑल्सो इन माई प्रोफेशन, ही इज ए सीनियर टू देन मी इन आवर प्रोफेशन। वी नेवर डू, वी नेवर हर्ट एनीवन, आई डिड नॉट इंटेंड टू डू इट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में टीएमसी कांग्रेस समेत विपक्षी दल घिर गए हैं। बीजेपी ने विपक्ष को इस मुद्दे पर घेर भी लिया है। बीजेपी से संवैधानिक पद का अपमान बताकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को घेरे हुए हैं। बीजेपी के साथ साथ खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्ष पर जाट समाज और उनकी पृष्ठभूमि का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया है। एक दिन पहले तक संसद में सुरक्षा चूक और सांसदों के निलंबन का जोर शोर से मुद्दा उठा रहा विपक्ष अब बैकफुट पर आ गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले के तूल पकड़ने के बाद पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो ही चेंज कर दिया। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक चलना है। इस सत्र के 19 दिनों में से 15 बैठकें होना प्रस्तावित था। संसदीय कार्यवाही चल ही रही थी, 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी पर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। दो युवक संसद की दर्शक दीर्घा से वेल में कूद गए और हंगामा करते हुए नारेबाजी करने लगे। इन युवकों ने कलर स्प्रे हवा में उड़ाया तो सांसद भी दहशत में आ गए। किसी तरह दोनों युवकों को पकड़ा गया और सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया गया। इस पूरे मामले को संसद की सुरक्षा का उल्लंघन बताया गया। पुलिस ने देश विरोधी धाराओं UAPA के तहत एक्शन भी लिया। विपक्षी सांसदों ने संसद में सुरक्षा चूक को बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति बनाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग तेज कर दी। अगले दिन यानी 14 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों सदनों में सुरक्षा चूक का मामला गूंजने लगा। स्पीकर और सभापति ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें 13 लोकसभा और एक राज्यसभा का सदस्य था। उसके बाद 18 दिसंबर को एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के रुख में नरमी के बजाय तीखापन देखने को मिला। अब दो मसले उठाए गए, पहला सुरक्षा में चूक और दूसरा सांसदों का निलंबन। हंगामा बढ़ता गया और विपक्ष हमला बरपा, तो एक बार फिर से कार्यवाही हुई। इस बार दोनों सदनों से सीधे 78 सांसदों का निलंबन हुआ। इसमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सदस्य थे। विपक्ष अपनी मांग पर डटा रहा। अगले दिन यानी 19 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने वही दोनों मांगे जोर शोर से उठानी शुरू कर दी। हंगामा इतना बढ़ गया कि जो विधेयक एक दिन पहले पेश किए गए थे उन पर चर्चा असंभव सी लगने लगी। इस बीच सस्पेंशन पर एक्शन में कमी नहीं आई। 19 दिसंबर को 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया, ये सभी लोकसभा सदस्य थे। 20 दिसंबर को 2 और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इस तरह निलंबित हुए सांसदों की संख्या 143 तक जा पहुंची। हालात ये हो गए कि शीतकालीन के बाकी सत्र के लिए कांग्रेस के 49 में से सिर्फ 9 सांसद ही बचे। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो दोनों सदनों से 2/3 से ज्यादा सदस्य निलंबित हो चुके हैं। इंडिया अलायंस में शामिल विपक्षी दलों के लोकसभा में 138 सांसद हैं, इनमें से महज 43 सदस्य बचे। कांग्रेस के कुल 49 सदस्य हैं, लेकिन निलंबन कार्रवाई के बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी समेत 9 सदस्य ही बचे। टीएमसी के 22 में से 13 सदस्य बचे। यहां तक बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार चारों तरफ से घिरी देखी जा रही थी और विपक्ष पूरी तरह हावी था, लेकिन विपक्षी सांसदों के एक समूह से बड़ी चूक हो गई। संसद से निलंबन के बाद विपक्षी सदस्य एकजुट हुए और संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी समर्थन करने पहुंचे थे। इस बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीधे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को निशाने पर लिया। उन्होंने धनखड़ की मिमिक्री की और मजाक तक उड़ाया। जब कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगे। राहुल को हंसते और वीडियो बनाते देखे जाने पर बीजेपी आग बबूला हो गई और उसके हाथ बड़ा मसला लग गया। बीजेपी ने तत्काल काउंटर अटैक किया और टीएमसी कांग्रेस और उपराष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगा दिया। खुद उपराष्ट्रपति ने घटना पर दुख व्यक्त किया। धनखड़ ने कहा, एक बड़े नेता सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे, उन्हें सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। धनखड़ ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के स्तर पर नाराजगी जाहिर की। उसके बाद जब 20 दिसंबर को संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में विपक्ष के सदस्य नाकाफी थे।
उनके निलंबित सदस्यों को संसद में एंट्री तक नहीं मिली, विपक्ष के पास मुद्दे उठाने के लिए सदस्य ही नहीं बचे थे और बीजेपी पूरी तरह से उपराष्ट्रपति के अपमान पर विपक्ष पर हमलावर थी। बीजेपी के नेताओं से लेकर संसदीय कार्य मंत्री तक ने सदन में इस मसले को उठाया, जो विपक्ष कल तक देश भर में अपने आंदोलन का दम भर रहा था, वो टीएमसी सांसद की इस हरकत की वजह से बैकफुट पर आ गया है। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की इस हरकत का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी इस दौरान हंस भी रहे थे, जिसके चलते राहुल गांधी भी बीजेपी के निशाने पर है। वहीं राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।